झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन के महंगे होने का असर सिर्फ खाद्य तेल के उपभोक्ता ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि निर्यात बाजार में भी इसका असर देखा जा रहा है। इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र अब तक सोयाबीन डीओसी के निर्यात से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा था। एक साल से सोयाबीन के भाव उच्च स्तर पर हैं। इससे भारत में बन रही सोया खली यानी डीओसी अब अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों के मुकाबले महंगी पड़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय डीओसी की लागत महंगी होने से निर्यात सिमट गया है। पहली अक्टूबर 2021 से चालू हुए फसल सीजन की पहली छमाही अक्टूबर 21 से मार्च 22 के दौरान देश से सोया डीओसी के निर्यात में 71.06% की गिरावट आकर कुल निर्यात केवल 4.72 लाख टन हुआ। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बीते फसल सीजन की समान अवधि में इसका निर्यात 16.31 लाख टन हुआ था। सोपा के अनुसार चालू फसल सीजन में सोयाबीन का उत्पादन 118.89 लाख टन का हुआ था, जबकि नई फसल की आवकों के समय 1.83 लाख टन का बकाया स्टॉक बचा हुआ था। अतः कुल उपलब्धता 120.72 लाख टन की बैठी थी, जो कि पिछले साल के 109.71 लाख टन से ज्यादा थी। मार्च अंत तक उत्पादक मंडियों में 61 लाख टन सोयाबीन की आवक हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 74.75 टन से कम है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।